हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए दो कच्चे आलू और आधी कटोरी सूजी से बनकर तैयार होने वाली टेस्टी नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हो और इस नाश्ते को आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हो, ये उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, इस नाश्ते को मैं यहाँ पर आपको तोड़ के दिखाती हूँ, तो आप इसका अंदर से टेक्सचर देखिए, कितना अच्छा ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। नमस्कार दोस्तों, रेखा सिरा किचन में आपका स्वागत है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो मेरे वीडियोस को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है आधी कटोरी सूजी। फ्रेंड्स, यहाँ पर सूजी को मैंने हल्का सा मिक्सर जार में पीस लिया है। ये हल्की मोटी सूजी थी तो मैंने इसे थोड़ा सा दरदरा पीस लिया है। अब मैं यहाँ पर दो कच्चे आलू ले रही हूँ, जो कि मैंने यहाँ पर अच्छे से छील कर तैयार कर लिए हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे एक बाउल, और बाउल के साथ साथ ही फ्रेंड्स हम लेंगे यहाँ पर एक कद्दूकस ग्रेटर। कद्दूकस ग्रेटर की सहायता से हम आलू को यहाँ पर कद्दूकस कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर पहले से ही मीडियम होल वाले कद्दूकस से ग्रेट कर रही हूँ, हो सके तो आप सबसे मीडियम वाले होल से ही ग्रेट करें, मोटे वाले होल का इस्तेमाल यहाँ पर बिल्कुल ना करें। अब हम यहाँ पर आलूओं को कद्दूकस कर लिए हैं। फटाफट हम इसमें 2 से 3 चम्मच फ्रेश दही डाल देते हैं, नहीं तो क्या होता है फ्रेंड्स, क्योंकि हम आलूओं को कद्दूकस करने के बाद इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे तो आलू बहुत ही जल्दी काले हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसे कद्दूकस करके और तुरंत इसमें दही ऐड कर दिया, अब ये काले बिल्कुल नहीं होंगे। अब मैंने यहाँ पर इसमें कुछ सब्जी ऐड करनी है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देती हूँ, साथ ही मैं 2 यहाँ पर डाल रही हूँ हरी मिर्च, और फ्रेंड्स मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1/2 चम्मच मैं यहाँ पर कच्चा जीरा डाल रही हूँ, और नाश्ते में थोड़ा कलर लाने के लिए मैं 1/4 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर सब्जी आप अपने हिसाब से और डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर 2-3 चम्मच यहाँ पर दही लिया है, तो मैं 2-3 चम्मच के करीबन ही इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे सूजी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए सूजी यहाँ पर मैंने जो आधी कटोरी ली थी वो पूरी सूजी इसमें डाल दी है। अब हम यहाँ पर सूजी को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, सूजी को मिक्स करते करते सूजी हमारी कुछ इस तरीके से इसकी थिकनेस हो गई है। तो हमें यहाँ पर ऐसी थिकनेस इसकी चाहिए, ना ही ये बैटर हमें ज़्यादा गाढ़ा चाहिए और ना ही पतला चाहिए, ऐसी कंसिस्टेंसी में हमें इस बैटर को रखना है। अब इस नाश्ते को फुलाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। फ्रेंड्स, बेकिंग सोडे की जगह आप यहां पर इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम बेकिंग सोडा डालने के बाद इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे और ये नाश्ता बनाने की नेक्स्ट प्रोसेसिंग शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहां पर पैन लिया है। इस नाश्ते को मैं यहां पर पैन के अंदर बनाकर तैयार करूंगी। तो सबसे पहले हम यहां पर पैन को ऑयल लगा के चिकना कर लेंगे। फ्रेंड्स, हम इस नाश्ते को यहां पर हल्का मतलब ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे, डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करेंगे। तो मैंने यहां पर पैन को हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब जो हमारा बैटर था उस बैटर को हम पैन के अंदर डाल देंगे। तो सारा बैटर मैंने यहाँ पर इस पे चूल्हे की सहायता से पोंछ के और पैन के अंदर डाल दिया है। और ये देखिए, इस तरीके से अब हम नाश्ते को यहाँ पर चारों ओर पैन में अच्छे से फैला देंगे, ताकि ये पूरा नाश्ता एक समान शेप में फैल जाए। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसे रोटी चपाती की शेप में फैला कर तैयार कर लिया है। अब इस नाश्ते को थोड़ा डिलीशियस बनाने के लिए और लुक में अच्छा दिखने के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़े से राई के दाने। फ्रेंड्स, आप राई के दानों की जगह यहाँ पर तिल भी डाल सकते हो या फिर कच्चा जीरा भी डाल सकते हो। अब हम इस नाश्ते को 10 मिनट के लिए स्टीम पर पकाएंगे। यहाँ पर मैंने ढक्कन लगा दिया था, और देखिए फ्रेंड्स, नाश्ता यहाँ पर अच्छे से क्रिस्पी सा हो गया है। ऊपर से देखिए, पहले से जैसे हमने डाला था वैसा नहीं है, इस काफ़ी चेंज हो गया है, यानी कि ये नीचे से सिक गया है। और अब हम ऊपर से यहाँ पर ऑयल लगा देंगे, क्योंकि हम नाश्ते को यहाँ पर पलटेंगे। और फ्रेंड्स, इस नाश्ते को मैं यहाँ पर गैस का फ्लेम लो मीडियम कर रखी हूँ। लो मीडियम फ्लेम पर ही हम इस नाश्ते को बनाएंगे, गैस का फ्लेम हाई बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। अगर गैस का फ्लेम हाई रखेंगे तो नाश्ता हमारा नीचे से जल सकता है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 5 से 10 मिनट इस नाश्ते को रखा, तो कितना क्रिस्पी सा ये नाश्ता और कितना सुनहरा कलर आया है इस नाश्ते का नीचे से। तो मैंने यहाँ पर इसे पलटे की सहायता से उठाते हुए नाश्ते को अच्छे से पलट लिया है। 2 पलटे मैंने फ्रेंड्स इसे पलटने में लगाए हैं, ताकि नाश्ता हमारा टूटे ना। आप इस नाश्ते को अपने हिसाब से थोड़ा
अपने हिसाब से पलट लीजिएगा, बिल्कुल भी टूटता नहीं है। और ये देखिए, अब मैं इस नाश्ते को यहाँ पर बिना ढके पका रही हूँ। इस यहाँ पर पलटे की सहायता से मैं इस नाश्ते को इस तरीके से प्रेस करते करते दबा दबा के और इसे सेक रही हूँ। तो ये देखिए, नाश्ता अच्छे से सिक कर तैयार है। अब हम यहाँ पर एक प्लेट रखेंगे और प्लेट में पैन से नाश्ते को इस तरीके से उल्टा कर लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, इस नाश्ते को मैंने बहुत ही जल्दी और कम समय में बनाकर तैयार कर लिया है और बहुत ही अच्छे से फूला फूला ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। खाने में तो फ्रेंड्स यकीन मानिए, ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब हम इस नाश्ते को कट करेंगे, तो मैं यहाँ पर इसे पिज्जा कटर की सहायता से कट कर रही हूँ, यानी कि मैं इस नाश्ते को यहाँ पर पिज्जा शेप में ही कट करूँगी। फ्रेंड्स, आप इस नाश्ते को चाकू की मदद से भी कट कर सकते हो। अगर आप इसे ना भी कट करो तो ऐसे भी खा सकते हो, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इस नाश्ते को पिज्जा शेप में कट कर लिया है। मैं यहाँ पर एक पीस आपको उठाकर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा ये सुपर डिलीशियस नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। जो भी फ्रेंड्स, कुछ ही मिनटों में, यानी कि यकीन मानिए 5 मिनट में नाश्ता बन जाता है। तो बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता बना है। तो इस नाश्ते को फ्रेंड्स मैं यहाँ पर टोमेटो केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इस नाश्ते को अपनी मनपसंद चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ आपके पास आसानी से पहुँच सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।